दोस्तों, साल 1987 का आध्यात्मिक धारावाहिक रामायण के आज लगभग 33 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी जब इस धारावाहिक को दूरदर्शन पर दोबारा प्रसारित किया गया है तो इस धारावाहिक ने टीआरपी के मामले में सभी सीरियल्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस धारावाहिक में सभी किरदार अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हुए नजर आए थे और इन्हीं में से लक्ष्मण एक ऐसा किरदार था जिसे दर्शकों द्वारा सबसे ज्यादा प्यार मिला था। लेकिन आप इनके बारे में तो सब जानते होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि अपने टैलेंट से सभी का भरपूर मनोरंजन करने वाले ये अभिनेता कुल कितनी संपत्ति के मालिक हैं? तो इसलिए आज की हमारी वीडियो में हम आपको इस अभिनेता की कुल संपत्ति के बारे में कुछ खास जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही दूरदर्शन चैनल के पॉपुलर धारावाहिक रामायण के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दूरदर्शन चैनल का पॉपुलर पौराणिक धारावाहिक रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले अभिनेता का रियल नाम सुनील लहरी है। इनका जन्म 9 जनवरी 1961 को मध्य प्रदेश के दमोह शहर में हुआ था और यहीं से इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की और वेशन कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अगर बात करें इस टैलेंटेड अभिनेता के एक्टिंग करियर के बारे में तो इन्होंने साल 1980 में आई फिल्म द नक्सलाइट्स से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था और सभी को अपना दीवाना बना दिया था, जिसके बाद इन्हें और भी कई फिल्मों में काम करने का शानदार मौका मिला, जिसमें बहारों की मंजिल और आजा मेरी जान जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। साल 1986 में इन्होंने अपना रुख टीवी इंडस्ट्री की ओर कर लिया, जिसके जरिए इन्हें हिंदू पौराणिक कथा पर आधारित धारावाहिक रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने का मौका मिला। इस किरदार के जरिए इन्होंने इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी कि आज तक इन्हें लक्ष्मण के नाम से ही जाना जाता है, जिसके बाद ये किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे। अगर बात करें इस दिग्गज अभिनेता की कुल संपत्ति के बारे में तो आपको बता दें कि सुनील लहरी की कुल संपत्ति रामायण की सीता और राम से भी कई ज्यादा है। सुनील लहरी लगभग 53 करोड़ की संपत्ति के इकलौते मालिक हैं। साथ ही इनका आलीशान घर किसी सपनों के घर से कम नहीं है। इनके आलीशान घर में आपको हर तरह की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। साथ ही इस घर में हर एक छोटी से छोटी चीज का मैनेजमेंट भी बेहद खूबसूरत तरीके से किया गया है। आज ये भले ही फिल्मी दुनिया से दूर हों, लेकिन कमाई के मामले में अभी भी कम नहीं है। आज ये एक एड कंपनी के ओनर हैं, जिसका नाम शिखर मूवी है। ये कंपनी फिक्शन शोज भी प्रोड्यूस करती है, जिसके जरिए सुनील लहरी काफी रुपए कमाते हैं और इसी के चलते आज ये एक सफल अभिनेता के साथ साथ सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी कहलाए जाते हैं। दोस्तों, क्या आप भी सुनील लहरी द्वारा निभाए गए लक्ष्मण के किरदार के दीवाने हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।